नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में एयरपोर्ट के बारे में। ऐसे में आज हम जानेंगे कि बिहार में कितने ऐसे एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल है, यानी कि वो काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में ही काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गया हवाई अड्डा की। गया एयरपोर्ट, जिसे बोधगया हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, यह बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका, जापान और पूरे विश्व से बौद्ध तीर्थ यात्री यहां आते हैं। इस एयरपोर्ट को 100 करोड़ की लागत से एक्सपैंड किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे पटना हवाई अड्डा की। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। छोटे रनवे होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यह भारत का 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे दरभंगा हवाई अड्डे की। दरभंगा एयरपोर्ट का स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास है। इस एयरपोर्ट का संचालन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह हवाई अड्डा दरभंगा के महाराजा कमेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हवाई अड्डे का अधिग्रहण भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। उड़ान योजना के तहत साल 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन नगरीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी आधारशिला रखी थी। 8 नवंबर 2020 से व्यावसायिक उड़ान शुरू हो गई है, जिसके लिए 20 सितंबर 2020 से बुकिंग शुरू हुई थी। अब आगे हम बात करेंगे बेहटा हवाई अड्डे की। पटना से 20 किलोमीटर दूरी पर है बेहटा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के अधीन है, जहां बड़े विमानों को उतारे जाने की योजना बनाई जा रही है। इस एयरपोर्ट को बिहार का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना है। अक्टूबर 2016 में बिहार कैबिनेट ने बिहटा में नए हवाई अड्डे के विकास को लेकर एक रूपरेखा बनाई है। बिहार सरकार बिहटा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 126 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है। भारत सरकार ने एक नए टर्मिनल भवन के लिए 12.17 बिलियन की राशि की मंजूरी दे दी है। अब आगे हम बात करेंगे मुंगेर हवाई अड्डा की। मुंगेर हवाई अड्डा, जिसे साफियाबाद हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, यह हवाई अड्डा मुंगेर के जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर सैफाबाद में स्थित है। इस हवाई अड्डे को भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जनवरी 2015 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हवाई अड्डे को विकसित करने और घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी। 24 मई 2016 को नवीनीकृत हवाई अड्डे के लाउंज और रनवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा की। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारत के बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस एयरपोर्ट को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आगमन के लिए बनाया गया था। 2018 में इस हवाई अड्डे को अन्य शहरों के लोगों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया था। इस हवाई अड्डे को फिर से स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ताकि कोलकाता, रांची, वाराणसी, गया आदि के लिए 30 से 60 सीटर विमान में उड़ान जल्द भर सके। अब आगे हम बात करेंगे पूर्णिया हवाई अड्डे की। पूर्णिया हवाई अड्डा बिहार के पूर्णिया में स्थित है। यह हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस हवाई अड्डे को चीन भारत युद्ध में भारतीय सेना को आपूर्ति के लिए बनाया गया था। इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत चुना गया है। बिहार सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए 50 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किया है। इस हवाई अड्डे से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रक्सौल एयरपोर्ट की। रक्सौल एयरपोर्ट बिहार के रक्सौल में स्थित है। इसे 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल आपातकालीन लैंडिंग के रूप में किया गया था। वर्तमान में यह भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के तहत आता है। रक्सौल एयरपोर्ट को विस्तृत करने पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार 121 एकड़ भूमि की आवश्यकता पर मसौदा तैयार कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जोगवनी हवाई अड्डे की। जोगवनी एयरपोर्ट जोगवनी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोगवनी एयरपोर्ट 53 एकड़ भूमि क्षेत्र पर बनाया गया है। यह एयरपोर्ट भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के तहत आता है। इस एयरपोर्ट पर वर्तमान में परिचालन सेवा बंद है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।